हेलो स्टूडेंट, ट्यूशन सेकंड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ के कुछ वीडियो मैंने कुछ टॉपिक मैंने पहले पढ़ा चुके हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम इससे रिलेटेड होते हैं, पाइप एंड सिस्टम हो गया। इसी तरीके से कई टॉपिक हमने जो है वन बाय वन करा दिए हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वन बाय वन हम जो है कराते चल रहे हैं, और उससे उसमें का जो बेसिक है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, हमारी कोशिश है कि हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपका जो है प्रिपरेशन कराते रहें। हम जो है बेसिक से लेकर के छोटे छोटे पॉइंट से लेकर के, मतलब हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन लेकर के, फिर हम बड़े से बड़े क्वेश्चन तक, एडवांस टाइप के क्वेश्चन तक, SSC CGL मेंस तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए होते हैं, या फिर वन डे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको लेकर के हम प्रैक्टिस कराते हुए चल रहे हैं। आप वीडियो में जा करके, अगर आपने नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से वीडियो में जा करके आप देख सकते हैं, उसमें हर एक टाइप से सभी क्वेश्चन बताए जाते हैं। और अगर आपको भी कोई उसमें प्रॉब्लम है तो तब भी आपको हम बोलते हैं कि जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ें वो स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप सीखते चलें, उसमें आपको, जिससे कि एक बार पढ़ने के बाद किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी यही कोशिश है। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी लेखपाल से रिलेटेड, और यूपीएसआई, और जो है यूपीएसआई के बाद जो है दूसरा बैच RRB NTPC का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं अब, और उससे जैसे रीजनिंग है और मैथ का जो मैं बता रहा हूँ वो तो है ही, और GS से रिलेटेड जो है सीरीज चलाई जाएगी। तो अभी जो है मैथ का एक इंडिविजुअल जो है टॉपिक वन बाय वन चला रहे हैं, जिसमें कि कुछ टॉपिक पहले हो चुके हैं। आज जो है एलजेब्रा स्टार्ट किया है, स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो एलजेब्रा में जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है एलजेब्रा में, बीजगणित में, तो अब इसमें जो है हम स्टार्टिंग से बेसिक से जो आप लोगों ने पढ़ा है फार्मूले, और उससे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वन डे एग्जाम में, वो सारे हम बताने चल रहे हैं। तो आपको देखना है और उसको समझना है और किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये जो है जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये कोई पेड नहीं है, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है। इसलिए जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई वीडियो देखें तो आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में 2-3 मिनट का देखेंगे और फिर छोड़ देंगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे, आप केवल वीडियो को स्किप करते रह जाएंगे और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं या कोई चीज़ सीखना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा उसमें पेशेंस रखें, थोड़ा वन बाय वन देखते रहें, जिससे कि आपका बेनिफिट हो और उसमें कुछ इंटरेस्ट आ सके। तो चलिए हम देखते हैं बीजगणित के बारे में। पहला जो आज इसका जो पहला पार्ट है एलजेब्रा का, तो उसमें देखते हैं आज जो है एलजेब्रा का पहला पार्ट जो है बेसिक से स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो एलजेब्रा में हमको क्या पढ़ना है, देखिए एलजेब्रा में जैसे कि अभी हम इसके पहले जो कुछ टॉपिक पढ़े हैं वो अर्थमैटिक से थे, इससे थे अर्थमैटिक से। अब हम पढ़ेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा में कुछ कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे, मतलब दोनों क्या होंगे, दोनों कांस्टेंट नंबर भी आपको मिलेंगे और वेरिएबल भी मिलेंगे। तो कांस्टेंट नंबर वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता, मतलब कि 1, 0, 1, 2, 3 इस तरीके के जो भी नंबर हैं वो कांस्टेंट नंबर हैं। XY2ABCD, XYZ, ABCD इस तरीके के जो मिलेंगे, जिसकी वैल्यू जो होती है वो वन एक्स वाई है, जेड है, इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है। वैल्यू बहुत सारी इसकी वैल्यू जो होती है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग हो सकती है। तो ये इसको इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं और ये कांस्टेंट होता है। तो दोनों इसमें आपको दोनों देखने को मिलेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है एलजेब्रा बीजगणित बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ फॉर्मूले हैं जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो हम देखते हैं। पहला है जैसे कि
एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो इसमें अगर एक्स माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला देखें, ठीक है, या फिर बेसिक देखें, ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर देखें, अगर इस तरीके से बहुत बार जो है पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स प्लस बी नहीं लिख एक्स प्लस ए नहीं लिखते हैं, हम यही देखते हैं एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करते रहे, ये तो याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी भी लिखते हैं, क्योंकि ए प्लस बी और ए प्लस बी का ही जो मल्टीपल है वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम एक बार करके देख लेते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए और ए मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ए और बी में करेंगे तो ए प्लस ए बी हो जाएगा, बी से ए में करेंगे तो फिर ए बी हो जाएगा, और बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह फॉर्मूले से बना, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आइए बोले कि ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये तो एक क्वेश्चन, एक फार्मूला हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ओके, अब दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा फार्मूला क्या है इसका, ए माइनस बी, साइन चेंज हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। इसमें क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये भी वही होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी दोनों ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए माइनस बी होगा। ओके, इसका फार्मूला ये होता है। उसके थर्ड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। फिर देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, अगर देखें तो इसको इस करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर इसको करेंगे तो माइनस ए बी, बी से ए में करेंगे तो प्लस ए बी, और बी से माइनस बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। ये और प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फॉर्मूला ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। बिल्कुल बेसिक से बताया जा रहा है, इसे फॉर्मूले याद करने का जरूरत नहीं आपको, एक बार देखिए कैसे कौन सा फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है और कैसे आता है, उसको एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपको देखने दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसको रफ करते हैं। फोर्थ नंबर फॉर्मूला, फोर्थ नंबर फॉर्मूला जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, या एक बताया था ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो इसमें एक फॉर्मूला और होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, मतलब दोनों का स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और दोनों का माइनस कर दिया गया, ठीक है, तो दोनों को माइनस कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाता है, क्या हो जाता है, 4ab हो जाता है, a plus b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करें a स्क्वायर plus b स्क्वायर का होल, a plus b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab होता है, इसको करेंगे तो माइनस बाहर के ब्रैकेट के बाहर का माइनस साइन है, तो a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab। ओके, अब ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी। ओके, ए स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एंड टू ए बी इक्वल टू फोर ए बी। ओके, तो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए बी होता है। दूसरा टाइप इसी में, इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए इसमें अगर दोनों को
प्लस किया गया हो, यहाँ तो माइनस करके निकाला था तो फॉर्मूला बन गया था। अगर दोनों को माइनस करना हो प्लस करना हो तब क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोनों को माइनस करना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा देखते हैं, इसका करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल हो गया, क्या आ गया टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम माइनस करते हैं तो 4ab के इक्वल होता है, और जब दोनों को प्लस करते हैं तो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ओके इस तरीके से इसमें जो है ये 5 फार्मूले हुए। और आगे देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या है, 6 नंबर फार्मूला एक है a स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी बी सी प्लस सी ए। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके एक बार मैं ये भी होता है इसमें। और उसके बाद नेक्स्ट इसी में जो है दूसरा टाइप क्या बनेगा, अगर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, क्या बताया हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसको नोट कर लें इसमें, और इसको ओपन करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। नोट कर लें। और इसको जो फॉर्मूला जो है दो तीन बार अगर आप एक बार कॉपी में नोट करके अगर देख लेंगे तो याद हो जाएगा, और जिससे कि जो एलजेब्रा में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिस फॉर्मूले में बेस्ड होते हैं तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको एलजेब्रा में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये सभी फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे, और इन सभी के फॉर्मूले के हेल्प से ही आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा एक क्वेश्चन और है, आगे देखते हैं ए स्क्वायर 7 नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 इसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके स्क्वायर हो जाए किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके ये 7 नंबर 7 क्वेश्चन 7 जो फॉर्मूले बताए इसमें इसको नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं अगर 8 नंबर, और क्वेश्चन जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम बताते चल रहे हैं, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है, फिर उसके बाद दो तीन बार आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर्मूले यूज होते रहेंगे तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है फॉर्मूले याद होंगे और आपकी स्पीड उतनी इंक्रीज होती रहेगी। तो और फॉर्मूला देखते हैं अब ये स्क्वायर, तो ये 7 फॉर्मूले थे जो स्क्वायर के थे, अब क्यूब के देखते हैं। जैसे है ए प्लस बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इसको और लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब
थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ओके, ये है ए प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, और इसको और लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब। उसके बाद है ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए माइनस बी। इसको भी क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ओके, ये फार्मूले हुए ए प्लस बी क्यूब का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। अब कर लें इसको, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, टेन नंबर देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। 11 नंबर है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। उसके बाद आगे देखें 12th नंबर, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं जो यूज करने होंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, इसको नोट कर लें। फिर है नेक्स्ट फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। क्या होता है, टू ए बी, वो यहां से भी बन जाएगा। यहां जो भी फॉर्मूले बताए थे मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर देखें तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, इससे भी आ जाएगा। और इसी तरीके से यहां देखें तो ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, तो वहीं लिख लें, वहीं नोट कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, उसी पे फॉर्मूले बन जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैंने वहां बताया उसी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरे से बनेगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ 13 नंबर पर, ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन, इसको लिखेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। ओके, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन इक्वल टू क्या होगा, ए की पावर फोर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन। ये सभी फार्मूले जितने बताए वो 13 फार्मूले बताए जुमरा के, ये सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं, तो इसको नोट कर लें।
फिर हम नेक्स्ट फॉर्म में कुछ और फॉर्म में जो हम बताने चल रहे हैं उसको नोट कर लें। और इसके बाद ये जो फॉर्मूले बताया जा रहा है, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है वो नोट करके प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जो है नोट करके कॉपी में बंद करने कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए जो है प्रैक्टिस करते रहें, केवल लिखने में ही ज़्यादा इंटरेस्ट ना बढ़ाते रहें, उसकी प्रैक्टिस भी करते रहें। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला 14 नंबर देखते हैं। इसमें जो 14 नंबर 13 नंबर पे होता है ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC एंड माइनस CA। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC और माइनस CA। और इसको क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको और क्या एक फॉर्मूला बन सकता है इसका, क्योंकि अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वहां इसका एक और फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/2, इसका फॉर्मूला हो गया 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, एक फार्मूला ये बनेगा, इसको नोट कर लें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू माइनस 3ABC इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है 15 नंबर। अगर इससे हमने एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा हो कुछ, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस सी नहीं कर रहे, यहाँ ए बी कर लीजिए, तो क्या बनेगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के इक्वल होगा, टू प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी दो फैक्टर होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस ए बी। फिर 16 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी होगा, ये वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, दो फैक्टर आते हैं। ठीक है, वो एक प्लस एक माइनस या एक दोनों एक प्लस एक माइनस या प्लस या दोनों प्लस या दोनों माइनस, दो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने जो बताया एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी होगा, दो फैक्टर इसके आएंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है अगर 17 नंबर में, अभी जो फॉर्मूला होता था ए यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC के इक्वल होता है। अगर दे रखा हो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। नोट कर लें,
फिर देखते हैं 18 नंबर, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी हो, क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी हो तो क्या बनेगा, 2a 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2b 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c 1 माइनस सी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर और 1 माइनस सी स्क्वायर। नेक्स्ट है फिर ये किसके इक्वल हो सकता है प्रोडक्ट में, इक्वल टू 2a 2a 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर 2b 1 माइनस सी का 1 माइनस बी का होल स्क्वायर 2c 1 माइनस सी का होल स्क्वायर। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी हो तब 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2c अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, और क्या हो सकता है 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर और 2b अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 2 माइनस 2c अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो अभी में जो चैप्टर है उसमें सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सभी यूज होंगे। और देखते हैं क्या है, ये तो फार्मूले हुए, तो फार्मूले के बाद अलजेब्रा में हम कैसे, हमको क्या पढ़ना है पहले, तो अलजेब्रा में एक लीनियर इक्वेशन आती है, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल मतलब कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो एक वेरिएबल के साथ है, जैसे x प्लस फाइव इक्वल टू थ्री या x प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे कि ये जो होगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो दे रखा है तो ये क्या है, इसमें एक वेरिएबल है तो लीनियर, और ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल इसको बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। अब क्वेश्चन देखते, अगर जो फॉर्मूले बताया उसमें बेस्ड अगर हम एक क्वेश्चन देखें, अगर कि x प्लस वन अपॉन x, अगर दे रखा है x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू फाइव, हमको किसका फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बोल दिया गया, तो x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, क्वेश्चन मार्क, x स्क्वायर प्लस वन अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे, उस फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, उस फॉर्मूले से भी सॉल्व करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, इसका अगर निकालें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसी पे ऊपर करें ए प्लस बी का, और इसको समझ लें ए प्लस बी है, इसको भी x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे तो हम यहाँ फाइव का स्क्वायर कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इसको इधर करेंगे कितना जाएगा 25 माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 23 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करें तो ट्रेडिशनल मेथड है, बाकी दूसरे मेथड में बता रहा हूं इसमें जो है x, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू फाइव है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस, इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा। ओके, ए स्क्वायर क्या है, ए यही है कि अगर x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू ए है तो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू निकाल लेंगे कर देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू में ए क्या है, ए फाइव है तो फाइव का स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू 25 माइनस टू इक्वल टू 23। इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ इस अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3×3×9 माइनस टू इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और अगर यही क्वेश्चन
अगर इसी में दे रखा x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, इसी में अगर दे रखा हो x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5 दे रखा हो और फाइंड करना हो x प्लस 1 अपॉन x के क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे इसको? तो वही a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसको ना अप्लाई करके हमें क्या कर लेना चाहिए, a क्यूब प्लस 3a होना चाहिए। ठीक है, a क्यूब माइनस 3a हो जाएगा, ये प्लस है तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 125 माइनस 15, 110 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है मैंने कुछ अभी टू क्वेश्चन बताए, इससे बेसिक क्वेश्चन मैंने बताया, छोटे से क्वेश्चन बताएं जो फॉर्मूले पे बेस्ड है। अभी अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बेसिक से लेकर के एडवांस तक, मतलब टफ हैं, जो इजी से लेकर के हम टफ तक बताएंगे, बिल्कुल जीरो से हम बताएंगे। तो आपको आज मैंने बताया, फॉर्मूला बताया और उससे जो बेसिक थे मैंने वो क्लियर किया, और अभी जो क्वेश्चन है वो हम किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन फॉर्मूले से बेस्ड होंगे, किस तरीके से हम उसको सॉल्व करना है वो सभी आपको बताया जाएगा, और जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं अलजेब्रा से रिलेटेड वो भी कराए जाएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।